सरजमीन हिंदुस्तान जिंदाबाद, सरजमीन हिंदुस्तान जिंदाबाद, बोलो भारत माता की जय। उस्मान भाई, जिस तरीके से अभी एक खूबसूरत मंजर देखने को मिला कि माशाल्लाह मुसलमानों का एक बड़ा काफिला इस्तमागा जलसागा की तरफ रवाना हो रहा है, इतने में रास्ते में एक मंदिर आई और हिंदू भाइयों ने आकर आपका इस्तकबाल किया और प्यार और मोहब्बत का इजहार किया, क्या कहना चाहेंगे जी? अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत खुशी की बात है कि जो यहाँ पे टानी रोड पे जो हमारा मिलादुन्नबी का जो जुलूस चल रहा है खुदुसा विद्या की तरफ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है कि जो यहाँ पे जो गैर कौम है, जो हमारे बिरादरान वतन है, जो हिंदू भाई हैं, उन्होंने मंदिर के बाहर एक बड़ा ठेला लगाया था, एक स्टॉल लगाया था और उन्होंने हम लोगों को इस्तकबाल किए, इज़्ज़त अफजाई की हमारी और हमारे जो साथ में जुलूस में जो हमारे साथी हैं उनको उन्होंने जूस दिया और पानी भी दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने किया। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने उनके लिए जब गणेश का प्रोसेशन चल रहा था तो इसी मुकाम पे हम लोगों ने भी उनके जुलूस के लिए इस्तकबाल करते हुए पानी और जूस का उनके लिए इंतजाम किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने किया था वो आज हमारे लिए कर रहे हैं। यही है कम्युनल हार्मनी का मैसेज देना चाहता हूँ इस मुबारक दिन पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुल्क भर में नफरत की फिजाओं को बुलंद किया जा रहा है, जब भी आपको देखा है आपने मोहब्बत का पैगाम फैलाया है और आपने भी बहुत सारे स्पीचेस में ये कहा है कि मेरे बहुत सारे नॉन मुस्लिम ज़्यादा दोस्त हैं, तो इस मौके पर पूरे मुल्क को क्या मोहब्बत का पैगाम आप अपने प्लेटफॉर्म पर देना चाहेंगे? जी, ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का एक बहुत ज़बरदस्त कौल याद आता है, जो उनके इस पे जब उनके मज़ार अक़दस पे जाएंगे तो लिखा हुआ है वहाँ पे, मोहब्बत सभी से, नफरत किसी से नहीं। उसी पे हम लोग अमल करते हुए, क्योंकि हिंदुस्तान के बादशाह कहलाते हैं, तो हिंदुस्तान बादशाह जो कहलाते हैं उसी बात पे हम लोग अमल करते हुए हमारे जो बिरादरान वतन है उनके साथ हम लोग एक खुशी का एक माहौल मेंटेन करना चाहते हैं। और आखिरी सवाल ये है कि काफिला निकल रहा है, बड़ी मुसलमानों की तादाद है, पुलिस का सपोर्ट सब कैसा रहा आपके साथ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो आप काफिला या इसको सैलाब भी बोल सकते हैं, जो जुलूस आ रहा है यहाँ पे मिलादुन्नबी के दिन पर, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी बैंगलोर सिटी की पुलिस फोर्स है तो इनका ज़बरदस्त बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ कोऑपरेट किया है। हम लोगों ने हमारे टीम ऑफ कम से कम एक 500 वॉलंटियर्स हम लोगों ने इनको दिया हुआ है पूरा जुलूस मैनेज करने के लिए, तो एकदम कोऑर्डिनेशन में पूरा काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान साहब आपका कीमती वक्त देने के लिए, हम शुक्रगुजार हैं आपके।